हे गाइस, माय नेम इज़ ललित, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे शॉर्टकट जो कि मेरा बहुत टाइम बचाता है वीडियो एडिटिंग करते हुए, और आई होप आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, ये बहुत बेसिक शॉर्टकट्स हैं, आपको पता हो सकता है ना पता हो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वीडियो को पूरा तो जरूर देखें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो फर्स्ट शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको क्लिप्स रिव्यू करनी है, बीरोल रिव्यू करने हैं, या फिर टॉक्स या लेक्चर को रिव्यू करना है, तो उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो हम जब वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो नॉर्मली स्पीड पर चलती है, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से एल प्रेस करूँगा तो एल से वीडियो प्ले हो जाती है, ठीक है। और मैं फिर से एल को प्रेस करता हूँ तो वीडियो 2x पे चलेगी, फिर से करूँगा तो 4x, और फिर से करूँगा तो 8x। इससे क्या हो रहा है कि मैं जल्दी से अपनी वीडियो को रिव्यू कर सकता हूँ। और मान लो कि मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, मुझे थोड़ा पीछे जाना है, तो एक तरीका तो होता है हम फ्रेम बाय फ्रेम में एरो के से पीछे जाऊँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जे दबा सकता हूँ, जैसे क्या होगा कि वीडियो रिवर्स में प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्लिप देखनी है कि रिवर्स में कैसी लग रही है बिना रिवर्स किए, तो आप सिंपली जे प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वीडियो उल्टी चलने लगेगी, तो आप प्रीव्यू कर पाएंगे कि उल्टी कैसी लग रही है वीडियो। मैं जे को दोबारा दबाऊंगा तो वीडियो 2x चलेगी, और फिर से दबाऊंगा तो 4x। जैसे आप एल से 1x, 2x, 3x कर सकते हैं, वैसे आप जे से भी कर सकते हैं, सिंपली जे जे और जे, देखो 4x चल रही है वीडियो, ठीक है। आपको अगर वीडियो पॉज करनी है तो आप के से पॉज कर सकते हैं, पर के से वीडियो प्ले नहीं होगी। अगर आपको प्ले करनी है फॉरवर्ड तो आपको एल दबाना पड़ेगा, और आपको प्ले करनी है बैकवर्ड तो आपको जे दबाना पड़ेगा। तो कई शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैं वीडियो वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अपनी वीडियोज़ के, या टॉक से लेक्चर को एडिट कर रहा होता हूँ, वहाँ पर बहुत हेल्प करता है मेरी। मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ में लिया इस चीज़ को, होप आपके भी काम में आएगा और आपको भी पसंद आएगा। तो गाइस, जो शॉर्टकट है यहाँ पे ही काम में नहीं आता, इसको आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो है शॉर्ट है मेरा, अब मेरे को इसमें से मान लो कि बेस्ट सीन निकालना है, तो मैं एल प्रेस करूँगा तो प्ले हो गई वीडियो, ठीक है। मैं दोबारा एल प्रेस करूँगा 2x पे प्ले हो गई, फिर प्रेस करूँगा तो 4x पे प्ले हो गई, ठीक है। तो अगला जो शॉर्टकट है हमारा, ये यहीं से निकल के आता है। बेसिकली मान लो मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने प्ले करी और दो बार प्ले कर दी, 2x पे वीडियो चल रही है मेरी, ठीक है। मेरे को यहाँ से शॉर्ट चाहिए तो मैं आई दबाऊँगा, ठीक है, और जहाँ तक मुझे शॉर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे मैं ओ दबा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आई और ओ से इन और आउट पॉइंट लग गए। अब मैं सिंपली ये वाला पार उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने टाइमलाइन पे। तो जो ये इन और आउट सिलेक्शन है, ये भी मेरी बहुत हेल्प करता है जब मैं एडिटिंग वीडियो वगैरह सेलेक्ट कर रहा होता हूँ या एडिटिंग कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे काफ़ी टाइम बचाता है मेरा। और इवन इसको मैं टाइमलाइन पे भी यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई और ओ लगाता हूँ, और अब मैं इसको एक्सपोर्ट करने जाऊँगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ही होगा, और ये तब भी यूज़ में आता है। मान लो मेरा यहाँ से यहाँ तक का टाइमलाइन रेड हो गई है, ठीक है, और प्लेबैक सही से नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे ओ लगा के अगर रेड है, तो मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो ये वाले फ्रेम वो रेंडर कर देगा मेरे लिए, सिलेक्शन वाले, सिर्फ यही फ्रेम रेंडर करेगा मेरे लिए और नहीं करेगा। तो इसका वहाँ पर बहुत फ़ायदा आता है, नो इफेक्ट डाला और आपकी टाइमलाइन रेड हो गई है और सही से प्ले नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी सिलेक्शन से आप उस पर्टिकुलर पार्ट को रेंडर कर सकते हैं और उस इफेक्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इसी के बाद बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये इनर आउट पॉइंट हटाएंगे कैसे। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई और ओ प्रेस करेंगे तो ये हट जाएंगे। आई और ओ से लगते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई और ओ से हट जाएंगे। तो अगला जो शॉर्टकट है हमारा, वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे मान लो मैं प्ले हेड पे हूँ, जो सिलेक्शन मैं यहाँ पे कर रहा था अभी, अब वो चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से प्ले करा और मेरे को यहाँ पे आके लगा कि मेरे को यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे इससे पहले का पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली क्यू प्रेस करूँगा और पहले का पार्ट डिलीट हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मली करता तो कितनी मेरे को मेहनत करनी पड़ती, मैं पहले यहाँ पे आता, ठीक है, मैं सीधे दबा के रिजल्ट टूल लेता, फिर इसको मूव टूल सेलेक्ट करता, फिर डिलीट करता, फिर इसको वैसे करता, मेरे को इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से क्यू प्रेस करूँगा और पीछे का हिस्सा डिलीट हो जाएगा। और सेम ऐसे ही मुझे अगर अपने प्ले हेड से आगे का एरिया डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और मुझे इससे आगे का एरिया डिलीट करना है, तो मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो उसके आगे का एरिया भी डिलीट हो जाएगा। तो क्यू से जो पहले का होगा वो, और डब्ल्यू से आगे का, ठीक है। तो इस शॉर्टकट से काफ़ी आपका टाइम बचेगा जब आप प्रीव्यू कर रहे होंगे अपनी टाइमलाइन पे कोई वीडियो को। तो अगला शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको अपने माउस को बिना टच किए अपनी क्लिप को ऊपर और नीचे मूव करना है टाइमलाइन पे। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो अभी V1 पे है, मैं चाह रहा हूँ V2 पे चली जाए, तो मैं सिंपली ऑल दबाऊंगा और एरो की होती है आप वाली वो दबाऊंगा तो वीडियो ऊपर चली जाएगी, और दबाऊंगा तो और ऊपर चली जाएगी। और ऐसे करके आप नए ट्रैक भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, आपको नए ट्रैक बनाने, तो ये बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो मेरी ऑडियो नीचे जा रही है, देख सकते हैं आप, आपकी जैसे वीडियो ऊपर जा रही है और डाउन से ऑडियो नीचे जा रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ यहाँ से, मुझे सिर्फ इस वीडियो को ऊपर करना है तो मैं सिंपली वीडियो ऊपर कर सकता हूँ, और मुझे सिर्फ ऑडियो को नीचे करना है तो ऑडियो नीचे कर सकता हूँ। ये काफ़ी टाइम बचाता है। अगर आप बी रोल्स वगैरह एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑडियो हमारी मोस्टली नहीं होती है बी रोल्स में, तो वहाँ पे हम लोग उसको बहुत ईजिली यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट शॉर्टकट की तरफ। तो मान लो मैंने अपनी पूरी एडिटिंग कर ली है, ठीक है, और
अब मैंने सारी एडिटिंग कर ली, सब कुछ लगा दिया, इफेक्ट वगैरह, मेरे को फाइनल रेंडर से पहले, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले एक लास्ट टाइम प्रीव्यू देखना है अपनी वीडियो का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मॉनिटर पर क्लिक करूँगा, स्किप के नीचे वाली की होती है ये वाली, इसको मैं दबाऊँगा तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा और मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ अपने उस शॉट को। और सिर्फ प्रोग्राम मॉनिटर नहीं, आप इससे कोई भी मॉनिटर को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोर्स मॉनिटर पर जब मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैं रिव्यू कर सकता हूँ फुल स्क्रीन पर। तो मान लो प्रोजेक्ट मॉनिटर में आपकी बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, उनको आपको अरेंज करना है, तो ये भी आप फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। यहाँ से आप आइकन व्यू में जा सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपका डेटा है वो आप अरेंज कर सकते हैं आराम से। और वापस से मैं उसी की को दबाऊँगा तो वापस से बैक हो जाएगा, तो टाइमलाइन को ही मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ इससे, और किसी भी मॉनिटर को फुल स्क्रीन कर सकते हैं हम लोग इस बटन से। तो गाइज ये थे वो 5 शॉर्टकट जो कि मेरे बहुत हेल्प करते हैं और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है एडिटिंग के टाइम पे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूँगा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब के लिए बाय।